फिर हम सो गई। बड़ी मुश्किल से सुलाया। अम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपका दिल नहीं चाहता कि हमारी इरम भी दुल्हन बने, उसकी भी शादी हो जाए? कौन माने चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी हो? मैंने भी बड़े ख्वाब देखे थे उसकी शादी के, लेकिन उनमें से एक भी शर्मिंदा ताबीर होता नजर नहीं आ रहा। कौन करेगा मेरी बेटी से शादी इस हाल में? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी नजर में एक लड़का है जो इस हाल में भी खुशी खुशी इरम को अपना लेगा, तो क्या आप उससे इरम की शादी करवा देंगे? कौन है वो लड़का? हम्माद। क्या कहा तुमने? मैं उस शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं जिसने उसको इस हाल को पहुंचाया? क्या हाल होगा उसका? कलेजा फट जाएगा उसका। मेरी बेटी मुझ पर इतनी भारी नहीं है, मैं हर किसी शादी पर तैयार नहीं होगी। अम्मी प्लीज आप जिद मत करें। मैंने अम्माद की आंखों में इरम के लिए प्यार देखा है, वो इरम को बहुत खुश रखेगा, ट्रस्ट मी। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम उस लड़के की हिमायत कर रहे हो। अम्मी तो और क्या करूं मैं? अच्छा आप बताइए, कल लोग हमसे पूछेंगे कि हमने इतने अरसे तक इरम की शादी क्यों नहीं की, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? अम्मी कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास, तो आप प्लीज मान जाएं। अगर इरम की जिंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है तो प्लीज होने दें। और अगर शादी के बाद उसने मेरी बच्ची को कुछ नुकसान पहुंचाया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, हम्माद ने इरम को पहले भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और आगे भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें और इरम को हम्माद के साथ रुखसत करने की तैयारी करें। मैं उसका भाई हूं, उसके लिए अच्छा ही सोचूंगा। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाओ कभी ना धरो। मेरी जान हो गया प्यार? क्या यही कि प्यार हो गया तुझे मरियम से? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बचपन का दोस्त हूँ तेरा, तो जानता है तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। कुछ नहीं छुपा रहा मैं। तो फिर मान ले मेरी बात, तुझे प्यार हो गया उससे। क्या फजूल बके जा रहा है यार? यार मैं तो वही कह रहा हूँ जो मुझे तेरी आंखों में नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा? मरियम के लिए बेशुमार प्यार। और मैं दोस्त, ये इश्क चीज ही ऐसी है, जितना भी छुपा लो छुपती नहीं है। अच्छा? जी हाँ। ये जो आप बहाने बहाने से स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल से मरियम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, और मैं जब भी आता हूँ आपका फेवरेट मौजू मरियम होती है, ये सारी अलामत इसी बात की निशानदेही करती है कि आपको मोहब्बत का बुखार है और आप उसे मुकरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चल मान लेते हैं कि मरियम मुझे अच्छी लगती है, अब क्या करूं? ये चीज अब आप चाहिए उसके पास और उसे भी बता दीजिए। अरे पागल हो गया, भूल गया? पहले कोई बात थी नहीं तो उसने मेरा क्या हशर किया था, अब अगर प्रपोज कर दिया तो पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। तो इस डर की वजह से तू कभी उसे प्रपोज ही नहीं करेगा? करूंगा सही वक्त आने पर। और कब आएगा ये आपका सही वक्त?
यार पहले उसकी नजर में मेरा इमेज थोड़ा अच्छा हो जाए, फिर अपने दिल की बात बता दूंगा। ठीक है, बैठ के इंतजार करो, जब तक तुम्हारा इमेज नहीं ठीक हो जाता उसकी नजर में। वैसे एक बात कंफर्म कर लेना जरूर। क्या? यही कि वो बच्ची कहीं मरियम की अपनी बेटी तो नहीं? जान से मार दूंगा मैं तुझे यार, चाय फेंक दूंगा तेरे मुंह पे। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर। यार कब तेरी शादी हो, जा उसको बता हम भी तेरी शादी के लड्डू खाएं। बेस्ट ऑफ लक यार। कितनी मोहब्बत करते हो रंग से? मोहब्बत को तोलने वाला कोई तराजू बना है क्या? नहीं बनाना तो फिर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं मेरी मोहब्बत का कौन सा? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूं तो क्या तुम आज भी इसके लिए राजी हो जाओगे? विरम के साथ जो कुछ बुरा हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या इन तमाम चीजों के बावजूद वो मुझे कबूल कर लेगी? तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ मेरी बहन को अपनाओ। लेकिन अम्मी, इरम की शादी भाई जिस लड़के से करवाना चाह रहे हैं आखिर कौन लोग हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, लड़का क्या करता है, कुछ तो पता होना चाहिए ना। ओ, कुछ तो फिर कैसे होगा ये सब कुछ? और मैं तो अम्मी, ये हमाद है, मैंने आपसे जिक्र किया था ना कल, ये वही है। एक पल में कई दिल के टुकड़े किए, मुझको तुझसे मिली मुस्कुराइयां, आंखों में जम गई जिनकी परछाइयां, प्यार मेरा गवाह सुन मेरे बेवफा। शायद पागल हो गई, क्या कर रहे हो तुम? वही जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, इसकी वजह से हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है। पागल मत बनो शानी, हमारी बहन की इस हालत का जिम्मेदारी है नहीं है, गन मुझे दो। तो कौन है? मुझे गन दो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। नहीं, अम्मी आप चिंता लेके जाएंगे। तुम चलो मेरे साथ।